मंच पर उपस्थित दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के डायनेमिक वाइस चांसलर श्री धनंजय जोशी जी, रजिस्ट्रार श्री रजनीश जी, मेरे सहयोगी शिक्षा विभाग में और एडवाइज़र शैलेंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एजुकेशनिस्ट्स, एजुकेशन पर दिन रात मेहनत कर रहे, सोच रहे व्यक्तित्व, और आज के इस सम्मेलन के लिए विशेषकर यहाँ पर फिजिकली पधारे सभी एक्सपर्ट्स और ऑनलाइन उपस्थित सभी एक्सपर्ट्स, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में आज शामिल होने जा रहे हैं। और मुझको पूरा यकीन है कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी की आज की ये कॉन्फ्रेंस हमारे सामने एक रोड मैप देगी, देश के सामने एक रोड मैप रखेगी कि जैसा कि इसका नाम है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में डॉट्स को कैसे कनेक्ट किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जैसा जोशी साहब ने कहा कि पॉलिसी बनाना सबसे प्रिय काम है, और नेताओं और अफसरों का तो सबसे प्रिय काम रहा है पॉलिसी बनाना। अब उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, कितनी हो पाएगी और कितनी रह जाएगी, और अगर ये क्या करते रहे तो क्या हो जाएगा, और क्या नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ये सारे डॉट्स कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि आज की ये कॉन्फ्रेंस इन सवालों को कहीं ना कहीं उकेर कर लाएगी। मैं ऐसा आशा बिल्कुल नहीं रखता कि आज के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से लागू होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक साथियों, सभी विशेषज्ञ अथॉरिटीज, सबकी आपसी चर्चा से कुछ ऐसे बिंदु निकल कर आ जाएं जो देश के एजुकेटर्स और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स, एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स, इनको आसान भाषा में समझ में आ जाएं, और डूएबल मतलब बहुत प्रैक्टिकल भाषा में समझ में आ जाएं, तो शायद ये कॉन्फ्रेंस बहुत उपयोगी रहेगी, बहुत सफल रहेगी। मैं जानता हूं कि पॉलिसी में मैं काम करता हूं, दिन रात हम लोग पॉलिसी पे ही काम करते हैं, जिन चेयर्स पे मैं बैठता हूं उनका काम पॉलिसी बनाना है, लेकिन डॉट्स का कनेक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, और डॉट्स के कनेक्ट करने ना करने की वजह से हमने बहुत कुछ खोया है। हमने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई, और ये नई एजुकेशन पॉलिसी तब तक नई एजुकेशन पॉलिसी कहलाएगी जब तक एक और नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आएगी, वो चाहे 20 साल बाद आए या 25 साल बाद आए। इसके पहले जो पॉलिसी थी वो भी, जब तक ये पॉलिसी नहीं आई तब तक नई एजुकेशन पॉलिसी ही थी, भले ही वो 86 में आई थी। तो अब ये कितने साल तक नई रहेगी और कितने साल तक पुरानी रहेगी, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये क्या कुछ दे के जा पाएगी? हर एक पॉलिसी अच्छी, हर पॉलिसी एक अच्छा डॉक्यूमेंट होता है। जैसा अभी धनंजय जोशी जी ने कहा कि हम लोग शुरू से 1952 से आपने जिक्र किया, 48 से जिक्र किया, 48 से लेकर अब तक कितने सारे स्टेप्स उठा चुके हैं, लेकिन कहीं तो कुछ कमी रह गई है कि आज भी हमारे देश में हम साक्षरता में भी पीछे हैं, क्वालिटी एजुकेशन के इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे बात करें तो हम कहाँ हैं। मैं जो भी कहूंगा वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मान लिया जाएगा कि नेता है दूसरे नेताओं के बारे में बोलता है, लेकिन जमीनी हकीकत है कि हम इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर क्वालिटी एजुकेशन में बहुत पिछड़े हुए हैं। जहां हम एजुकेशन नहीं दे पा रहे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, जहां हम दे पा रहे हैं वहां कितने पिछड़े हुए हैं वो देखना बहुत जरूरी है। और क्यों रह गए? इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज होने के बावजूद, पॉलिसी बताती है कि हमारे यहां लोगों को समझ है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहां लोगों को समझ नहीं रही है। जब जब हमने कुछ लिखा है पॉलिसी के रूप में, चाहे हमने NCF लिखा हो या राइट टू एजुकेशन एक्ट लिखा हो या हमने नई एजुकेशन पॉलिसी देन लिखी हो या कोठारी कमीशन में हमने जो कुछ लिखा हो, ऐसा नहीं है कि हमारे पास समझ नहीं रही, लेकिन उस समझ को मूर्त रूप देके बच्चे के जीवन में बदलाव लाना, देश के हर बच्चे के जीवन में बदलाव लाने में, एक क्वालिटी लाइफ देने में हम कामयाब नहीं रहे हैं, तो कहीं तो कुछ डिस्कनेक्ट रहा है। जैसे मैं बहुत रिसेंट एग्जाम्पल देखता हूं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, कनेक्टिंग द डॉट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले हमारे अच्छे प्रयास इन अनकनेक्टेड डॉट्स की वजह से बहुत फेल हुए हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट एक बहुत अच्छी अवधारणा है, हम सब एजुकेशन में हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि फेलियर इज नॉट ए
चिल्ड्रन अफेयर, इज नॉट ए चाइल्ड्स अफेयर. फेल बच्चा नहीं होता है, फेल सिस्टम होता है. इसलिए हमको बच्चों को फेल नहीं करना चाहिए. सारी दुनिया ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए और अंत में निष्कर्ष निकाला कि किसी एक पर्टिकुलर एज या एप्रोप्रिएट लेवल तक हम बच्चों को फेल नहीं करेंगे, डिटेंशन नहीं करेंगे. सारी दुनिया ने जब वो करना शुरू कर दिया तो हमारे भी कुछ अच्छे लोगों को लगा यार ये अच्छा आइडिया है, आठवीं तक बच्चे को फेल नहीं करना चाहिए, डिटेंशन नहीं होना चाहिए. अब किसी पॉलिसी मेकर को भी अच्छा लगा, उसने उठा के पॉलिसी बनाई, किसी ने कानून बना दिया और देश में कानून बन गया. लेकिन कानून बनाने या पॉलिसी बनाने भर से अच्छा हो गया होता तो इस देश में नो डिटेंशन एक बहुत बड़ा सफल प्रयोग होता. लेकिन इसके कुछ वर्ष बाद आवाज उठने लगी कि साहब ये नो डिटेंशन से तो और गड़बड़ हो गई. क्यों गड़बड़ हो गई? क्योंकि हमने नो डिटेंशन पॉलिसी या राइट टू एजुकेशन के इस बहुत महत्वपूर्ण बदलाव के कनेक्टिंग द डॉट्स पे ध्यान नहीं दिया. हमें अपना सिलेबस में काम करना चाहिए था, हमें अपने टीचर्स ट्रेनिंग पे बदलाव करने चाहिए थे, हमें बच्चों के अगले क्लास में प्रमोशन के तौर तरीकों पे बदलाव करना चाहिए था, हमें यह समझना चाहिए था कि प्रमोशन और फेल और नॉन फेल में या पास में कुछ अंतर है कि नहीं है. हमने बिना इन सब डॉट्स को कनेक्ट किए हुए राइट टू एजुकेशन लागू कर दिया और राइट टू एजुकेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर दिया जिसको हमने कहा नो डिटेंशन पॉलिसी. और 3-4 साल के अंदर अंदर 9वीं 10वीं में ऐसे बच्चों की भीड़ बढ़ती चली गई जिनको अपना लिखना तक नहीं आता था. अपना नाम भी लिख लेते थे तो बहुत बड़ी बात थी. 2015-16 में मैं खुद स्कूलों में जाके ऐसे बच्चों से मिला जिनकी सेंस बहुत जबरदस्त है, मानसिक विकास बहुत जबरदस्त है. बोर्ड पर लिखे हुए अंग्रेजी के शब्दों को, पूरे के पूरे पैराग्राफ को मैंने देखा क्लासरूम्स में खड़े होके कि बच्चों ने टीचर से सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी पर अंग्रेजी के वाक्य लिखे हुए हैं. लेकिन उन बच्चों को जब मैंने पूछा कि ये क्या लिखा है आपने, तो पूरा सेंटेंस तो छोड़ दीजिए, THE दा समझ में नहीं आ रहा था. मैंने पूछा, काफी समय बिताया ऐसे क्लासरूम्स में, कि ऐसा क्या मतलब आपने लिख क्यों लिया ये? आपने इतनी बढ़िया अंग्रेजी में, इतनी बढ़िया हैंडराइटिंग में पूरा का पूरा बोर्ड से कॉपी किया हुआ है, आपको दा पढ़ना नहीं आता है? उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, उसके लाइंस बहुत शानदार थी, उसको लाइन बाय लाइन कॉपी करना आता है लेकिन पढ़ना नहीं आता. और ये 9th 10th की बात थी. तो ये क्योंकि हमें लगा कि बस कानून बनाने भर से काम हो जाएगा, नो डिटेंशन का हमने कानून बना दिया. राइट टू एजुकेशन के और भी बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम यही देखते हैं कि तैयारियां नहीं हुई और तैयारियां नहीं होने से लागू किया गया कानून डिजास्टर बन गया और अंत में देखे देश की पार्लियामेंट को कुछ चीजों को वापस लेना पड़ा. पार्लियामेंट के एक बहुत विजनरी कदम को खुद पार्लियामेंट को वापस लेना पड़ा, सरकारों के एक विजनरी कदम को खुद सरकारों को वापस लेना पड़ा, बिना तैयारियों के, बिना डॉट्स को कनेक्ट किए हुए. यही NCF में भी हुआ. हमने लर्निंग आउटकम्स लिखने शुरू कर दिए कि साहब ये कंटेंट होगा, ये करिकुलम होगा और ये उसका लर्निंग आउटकम होगा. लेकिन वो लर्निंग आउटकम आएगा कैसे? आपके डॉट्स तो कनेक्ट नहीं हुए, वहां परीक्षा प्रणाली वैसी चल रही थी. हमने कहा कि साहब बच्चे को हिंदी की फलानी कहानी के बाद उसके अंदर ये सेंस डेवलप होना चाहिए, अंग्रेजी की फलां कहानी के बाद या हिस्ट्री पढ़ने के बाद या ज्योग्राफी पढ़ने के बाद ये सेंस डेवलप होना चाहिए. लेकिन मिसिंग पॉइंट्स ये थे कि हमें उसकी परीक्षा ही लेनी नहीं आती. 2005 के बाद से, बाकी सबका समय छोड़ दीजिए, मैं पूरे इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, 2005 के बाद से CBSE और स्टेट बोर्ड्स द्वारा NCF के बनाए गए पाठ्यक्रमों के बाद बनाए गए क्वेश्चन पेपर्स को उठा के आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि NCF कुछ बात कर रहा है और परीक्षा लेने वाला जो पेपर सेटर है वो कुछ पूछना चाह रहा है. एकदम 180 डिग्री का सीधा अंतर है. NCF आपको एक डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, उसका इंटेंट अच्छा है, लेकिन परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं है कि NCF में जो लर्निंग आउटकम रखा हुआ है उसके बारे में मैं पूछूं तो क्या पूछूं. अगर मुझे बच्चे का वो जज करना है, वो इवेल्युएट करना है तो कैसे करूं? वो डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए. और सारे NCF के लर्निंग आउटकम्स, आज हम कितने 17 साल हो गए, 17 साल बाद भी हम लर्निंग आउटकम्स के L तक नहीं पहुंचे हैं. पढ़ाए जा रहे हैं तो हमेशा यही हुआ है. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कनेक्टिंग द डॉट्स इस पॉलिसी के अगर हमने काम नहीं किया तो हम इस पॉलिसी को भी बहुत बुरी तरह से फेल करेंगे.
एक देश के रूप में हम फिर पछताएंगे 20 साल बाद कि अब फिर नई पॉलिसी की जरूरत है, और 10 साल बाद हो सकता है जब भी कोई नई पॉलिसी बनेगी। कनेक्टिंग द डॉट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मैं यहां नहीं उठा रहा हूं, मैंने हर फोरम पे उठाए हैं। जैसे बहुत सिंपल है, मैं इसके भी कुछ क्वेश्चन आपके बीच में छोड़ के जाता हूं। पूरे देश में लीगल फ्रेमवर्क से एजुकेशन चलती है, और पूरे देश में पहली क्लास में एडमिशन की एज अलग अलग है। अब हमारा एजुकेशन पॉलिसी एक पर्टिकुलर एज की बात करती है, कितने की बात करती है एजुकेशन पॉलिसी एंट्रेंस लेवल पे, 6th-6th साल में। अब किसी राज्य में 7 साल में है राइट टू एजुकेशन, कुछ कहता है एजुकेशन पहली क्लास की एज क्या होगी? राज्यों के कानून अलग कहते हैं। अब कंट्राडिक्शन है, अब पॉलिसी तो पॉलिसी है, पॉलिसी से आगे का कानून है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने कानून मानेगी जो पार्लियामेंट और विधानसभाओं ने पास किए हैं, या एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करेगी? आप लीगली पचड़े में फंस जाएंगे। कल को कोई जाके कोर्ट में खड़ा हो गया और क्वेश्चन कर दिया कि ये शिक्षा मंत्री या शिक्षा निदेशक या इस प्रिंसिपल ने गलत कर दिया, इसने राज्य के कानून का उल्लंघन किया, बेचारा फंस जाएगा। फिर वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि जी नई एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है। नई एजुकेशन पॉलिसी किसी कानून से बड़ी नहीं है, देश का सिस्टम, अधिकारियों की कलम, विधानसभाओं और संसद द्वारा पास कानून से चलते हैं, किसी पॉलिसी में लिखने भर से नहीं चलते हैं। यह हमें ठीक करना पड़ेगा, यह एक मिसिंग डॉट है इसका। पॉलिसी में लिख दिया कि भाई 9वीं से 12वीं तक का एक बैंड की एक सेंटिटी है, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की। अब पूरे देश में देख लीजिए आप, अगर हमने इस बात का जवाब नहीं दिया कि 9वीं से 12वीं तक को जहां आपने एक बैंड माना है, उस बैंड को कौन टीचर पढ़ाएगा? पीजीटी पढ़ाएंगे कि टीजीटी पढ़ाएंगे? या ऐसा ही सिस्टम चलेगा कि 9वीं और 10वीं को टीजीटी पढ़ाएंगे और 11वीं और 12वीं को पीजीटी पढ़ाएंगे? अगर 9वीं और 10वीं को टीजीटी पढ़ाएंगे और 11वीं और 12वीं को पीजीटी पढ़ाएंगे, तो फिर ये अलग से बैंड किस चीज का हुआ? आप इसको कैसे अलग एक एप्रोप्रिएट लेवल मान रहे हो? बड़ा सवाल है। क्या इसमें चेंज होने की जरूरत नहीं है? क्या कानूनों में चेंज किए बिना या एग्जिस्टिंग रूल्स में चेंज किए बिना, जो अलग अलग राज्य फॉलो कर रहे हैं अपने अपने स्कूलों में, कहीं इसको लेक्चरर बोलते हैं, अलग अलग शब्द यूज करते हैं, फंस जाएगा मसला? अब 9वीं से 12वीं के बच्चे को किससे पढ़वाया जाएगा? अगर नई एजुकेशन पॉलिसी को मैं आज लागू करना चाहूं, तो मैं 9वीं क्लास में आए हुए बच्चे को अलग बैंड मानते हुए टीजीटी से पढ़वाऊं, तो 9वीं 10वीं में वो पढ़ाएगा, 11वीं 12वीं में कोई और पढ़ा रहा होगा उसको किसी और क्वालिफिकेशन का। आपने 9वीं से 12वीं की क्वालिफिकेशन क्या होंगी टीचर की पढ़ाने की? उसके रिक्रूटमेंट रूल्स क्या होंगे? इस पे काम नहीं किया, और ये मिसिंग डॉट्स हैं जो आपके कभी भी 9वीं से 12वीं के बैंड को ठीक नहीं होने देंगी। फिर एक बच्चा निकल के आ रहा है नर्सरी से, वसंत कुंज, वसंत वैली, डीपीएस जैसे स्कूलों के नर्सरी केजी 1, 2, 3 करते आ रहा है। एक बच्चा आंगनवाड़ी से निकल के आ रहा है, तो आंगनवाड़ी और नर्सरी में इतना बड़ा गैप होगा, फिर आप अर्ली चाइल्डहुड केयर को, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को पहली बार एक पॉलिसी लेवल पर एक इंटरवेंशन दी गई है, लेकिन क्या आंगनवाड़ी में बैठना सीखना और खाना खाना सीखना ही अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मान ली जाए वहां पे? और अगर नहीं, तो उसके गैप को कैसे अंतर किया जाए, खत्म किया जाए इस अंतर को? ये बड़े सवाल हैं जो एनईपी में जवाब दिए जाने और उसमें चेंजेस लाने जरूरी हैं। अगर हमने नहीं लाए, तो मुझे लगता है कि हम इस नई एजुकेशन पॉलिसी को ढोल ही बजाते रहेंगे, और पॉलिसीज ढोल बजाने का शिकार होती रही हैं और ये भी होती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज बहुत सार्थक चर्चा के बीच, क्योंकि यहां दोनों तरीके के एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हैं, जो एजुकेशन को ओवरऑल एक क्रिटिकल नजरिए से देखते हैं, और जो एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन की पॉलिसीज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और एजुकेशन की किताबों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, दोनों तरह के लोग बैठे हैं, जो बच्चे के मस्तिष्क के साथ काम कर रहे हैं, बच्चे के स्कूल में खड़े होकर, क्लासरूम में खड़े होकर काम कर रहे हैं, वो लोग भी हैं यहाँ पर, और वो लोग भी हैं जो उस पाठ्यक्रम को बनाने की प्रक्रिया, डिलीवर होने की प्रक्रिया, रिजल्ट और इन सब का एनालिसिस करने वाले लोग हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर बहुत सार्थक चर्चा आप लोग करके मेरे जैसे व्यक्ति के लिए और देश के उन तमाम लोगों के लिए जिनको इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में अहम भूमिका निभानी है, उनके लिए कुछ सार्थक पॉइंट्स आप लोग देंगे। मैं टीचर्स यूनिवर्सिटी को, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी को फिर से बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इसकी शुरुआत की है, इस चर्चा की शुरुआत की है कि देर आर सर्टेन डॉट्स टू बी कनेक्टेड। टीचर्स यूनिवर्सिटी
को स्थापित करने के पहले, क्योंकि मेरे ही कार्यकाल में इसका स्थापना हुई है, मेरा और मुख्यमंत्री जी का विजन, सरकार का विजन भी यही है कि हम दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी को बीएड की डिग्री देने वाली फैक्ट्री के रूप में नहीं देखते, बल्कि हम ये देखते हैं कि टीचर्स से जुड़े हुए हर मसले का 360 डिग्री टीचर ट्रेनिंग से लेके, टीचर की तैयारी से लेके, पढ़ाए जाने के तौर तरीकों से लेके, परीक्षा लिए जाने के तौर तरीकों से लेके, पॉलिसीज से लेकर, इन सब पे भी इसमें चर्चा होनी चाहिए। और जब आप डिग्री दें बच्चों को, डिप्लोमा दें, तो मुझे लगता है कि मैं किसी अहंकार में नहीं हूँ, आत्मश्लाघा में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि शायद जितना प्रिविलेज आपके पास है टीचर्स यूनिवर्सिटी के रूप में, देश की शायद ही किसी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी को यह प्राप्त होगा कि पूरा का पूरा स्कूल सिस्टम, जिसमें लगभग लगभग गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के देखें तो 44 लाख बच्चे हैं एक छोटे से दायरे में, दिल्ली जैसे छोटे से दायरे में 44 लाख बच्चे आपके ट्रेनिंग टीचर्स के लिए प्रयोगशाला के रूप में, प्रयोग करने के रूप में, उनको सीखने समझने के रूप में उपलब्ध हैं। ये कहीं उपलब्ध नहीं है। हर एक, मैं पिछले 7-8 साल से देख रहा हूँ, सारे एक्सपर्ट्स आप लोग जानते हैं, आप लोग खुद उन पढ़ाइयों को करके आए हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी जब टीचर ट्रेनिंग दे रही होती है तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रैक्टिकल का। उसको सरकारों के सामने, उसको प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशंस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है कि भाई हमारे ट्रेनिंग टीचर्स हैं, आप उनको जगह दे दीजिए थोड़ी सी, हम अपनी उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं। यहां मैं कहना चाहता हूं कि पूरा का पूरा सिस्टम, दिल्ली सरकार का पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट इस टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी का पार्टनर है, उसका सहकर्मी है एक तरह से। इतने लाखों बच्चे हजारों स्कूलों में, करीब 1 लाख से ज्यादा क्लासरूम्स में आपके लिए उपलब्ध हैं। आप जैसे प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे समझ बनाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स की, वैसे बनाने के लिए आपको जितने संसाधन यहाँ उपलब्ध हैं शायद ही किसी के पास में उपलब्ध होंगे, ये आपके लिए एक बड़ी बात है। और जैसा मैंने इस यूनिवर्सिटी के ओपनिंग के समय पे कहा था कि मेरी अपेक्षा, सरकार की अपेक्षा, इस यूनिवर्सिटी से केवल बीएड की डिग्रियां दिलाने का काम फैक्ट्री रूप में करना नहीं है, बल्कि टीचर के काम को एक गौरवान्वित काम बनाना, एक सॉर्ट आफ्टर कैरियर के रूप में स्थापित करना भी उतना ही बड़ा काम है इस यूनिवर्सिटी के हिस्से में। जैसे हम देश के और बहुत सारे कैरियर्स को देखते हैं, आईएएस को देखते हैं, आईपीएस को देखते हैं, फौज को देखते हैं, इवन स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखते हैं, नर्सेज को देखते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां हमारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे अभी ड्रीम कैरियर के रूप में देखते हैं और उनको कहा जाता है, मैं दोहरा रहा हूं लेकिन जरूरी है, टीचर यूनिवर्सिटी में जब मैं आता हूं तो मुझे लगता है इस बात को मैं बार बार दोहराता रहूं कि जब वो आते हैं 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे, तो हम किसी हिस्ट्री के टॉपर से या किसी इंग्लिश के टॉपर से उसके माता पिता को या उसके टीचर्स को ये कहते बहुत बार सुनते हैं कि बेटे आपकी अंग्रेजी बहुत शानदार है, आपका लिखना बहुत शानदार है, आपकी हिस्ट्री बहुत शानदार है, आप आईएएस की तैयारी करो। सुनते हैं ना, किसी का मैथमेटिक्स बहुत शानदार हो, किसी का साइंस बहुत शानदार हो, तो हम अपने बच्चों को ये सुनते हुए देखते हैं कि बच्चे आपका मैथमेटिक्स बहुत शानदार है, आपको तो आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए, आपकी केमिस्ट्री, आपकी जूलॉजी, बॉटनी सब शानदार है, आपको तो फलाने, डॉक्टर, नीट, इन सब की तैयारी करनी चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन कभी हम ये नहीं सुनते कि हिस्ट्री के टॉपर से कोई माँ बाप या कोई टीचर ये कहते हो बेटा तुम्हारा हिस्ट्री बहुत शानदार है, तुम हिस्ट्री के टीचर बनना, हिंदी बहुत शानदार है, हिंदी के टीचर बनना, तुम्हारे मैथमेटिक्स बहुत शानदार है, मैथमेटिक्स के टीचर बनना। हम कभी नहीं सुनते ये हमारे स्कूलों में, कहीं कोई एक्सेप्शन हो अलग बात है, लेकिन जनरल ना तो ये घरों में चर्चा है कि घर में माँ बाप देखें कि मेरे बच्चे की साइंस बहुत अच्छी है तो मैं उसको बोलूँ बेटा साइंस का टीचर बनना, मेरा ख्वाब है कि तुमसे, वो इंजीनियर बनाना चाहेंगे, वो साइंटिस्ट बनाना चाहेंगे, वो नासा में भेजना चाहेंगे, पर साइंस टीचर बनना ये कभी नहीं कहना चाहेंगे, कभी नहीं कहते हैं। क्यों? परसेप्शन का खेल है, वरना टीचर का काम बहुत सम्मानित काम है, और आज की तारीख में देखें तो टीचर्स की सैलरी भी पे कमीशन के हिसाब से एक अच्छी सैलरीज में गिनी जाती है, उसके बावजूद घरों में ये चर्चा नहीं होती है।
तो मैं समझता हूँ टीचर्स यूनिवर्सिटी का काम ये है, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का खास तौर से, कि इस परसेप्शन को तोड़ते हुए, इस मिसिंग डॉट को, ये जो डॉट है इसको भी कनेक्ट करने के लिए काम करें। और इस तरह की कॉन्फ्रेंस जब आयोजित करते हैं आप लोग, तो मुझे लगता है कि आप उस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं पूरी की पूरी टीचर्स यूनिवर्सिटी को और सभी को, आप सभी को भी यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।